हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम आपको बताएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला हमारा टॉपिक है आपका यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, यानी यूजीटी के बारे में। तो इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और उस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो उसमें आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। तो मैं जितेंद्र शर्मा, हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा पीजे टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बताते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक होती क्या है, यानी कि जो पावर यानी बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो शक्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनमें बहुत अधिक पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक जो युक्तियाँ यूज़ में ली जाती है वो क्या कहती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि यूजीटी। यूजीटी के बारे में हम इस वीडियो में आप समझेंगे। तो यूजीटी को हम क्या कहते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको अपन यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो यूनी के जंक्शन यानी कि यूनी से आप क्या समझते हो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, सबसे पहला होता है हमारा बीजीटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, सबसे पहले होता है हमारा बीजीटी। ये आपका एक तो बीजीटी होता है और एक आपका आता है यूजीटी। तो बीजीटी क्या होता है, बीजीटी में बीजीटी भी आपके तीन टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। ये होता है आपका बेस, ये होता है कलेक्टर और ये होता है आपका एमिटर। और यूजीटी भी आपकी दो टर्मिनल वाली डिवाइस होती है, तीन टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। जिसमें सबसे पहला होता है हमारा, इसमें बेस वन, ये होता है बेस टू और ये होता है आपका एमिटर। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपके दो बेस होते हैं, एक तो बेस वन और बेस टू और एक एमिटर होता है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो ये जो बीजीटी होता है, बीजीटी में जो होता है, बीजीटी आपके बीजीटी यानी बहुसंख्यक डिवाइस वाली, यानी बहुसंख्यक पे कार्य करती है, यानी कि बीजीटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और यूजीटी, यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनिक बाईपोलर ट्रांजिस्टर आपके होल्स, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पर कार्य करता है। और जो आपका ये होता है यूजीटी, यूजीटी आपके या तो इलेक्ट्रॉन पे या होल्स पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में आप डिफरेंट समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीटी। तो हम यूजीटी के बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपका यूजीटी का सिंबल है। जो ये सिंबल है वो ये आपका यूजीटी का सिंबल है। तो इस सिंबल से आप देख सकते हो, यानी कि यूजीटी का सिंबल ये है, और ये यूनिक जंक्शन, ये यूजीटी का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको बताता हूँ आप आगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, हम बताते हैं यूजीटी का मीनिंग क्या होता है। हमारा टॉपिक तो टॉपिक कवर समझेंगे। तो पहले हमारा मीनिंग है यूजीटी, मीनिंग ऑफ यूजीटी। यूजीटी का मीनिंग क्या होता है, यूनी यानी सिंगल सिंगल जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी को अपन क्या कहते हैं, सिंगल भी कहते हैं। तो इसका क्या फुल फॉर्म बन गई है, यूनी
जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये आपको याद रखना है कि फुल फॉर्म क्या होती है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम आपको बताते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके बारे में ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये आपका तीन टर्मिनोलॉजी डिवाइड होता है, इसका ये कॉलम होता है, तो ये कॉलम मैं आपको बताता हूँ बना के, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा वैसे तो। तो ये आपका तीन टर्मिनोलॉजी डिवाइड होती है, एक तो इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें अपन क्या करते हैं। इसमें हम जो आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक तो बेस वन और एक बेस टू, ये होता है आपका बेस टू। फिर उसके बाद होता है आपका आता है एक इमिटर, तो ये आपका ये पूरा चैनल होता है, ये आपका एन चैनल पदार्थ होता है। कौन सा चैनल? एन चैनल, यानी ये आपका एन पदार्थ होता है, और ये आपका हम इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा इंजेक्ट करते हैं जो क्या कहलाता है, आपका पी टाइप पदार्थ कहलाता है। तो वो किसके ज़्यादा करीब होता है, वो जो आपके बी वन होता है, बी टू होता है, बी टू और वी वन, तो ये आपके सबसे पास में जो होता है वो उसके होता है बी टू के। तो ये हमने बी टू का पी टाइप इंजेक्ट कर दिया है, यानी कि पी टाइप चैनल बना दिया, इसको आप देख सकते हो, ये हमने पी टाइप चैनल बना दिया। और इसके अपन क्या कहते हैं, ईमीटर, इसे अपन कहते हैं ईमीटर। तो ऐसा ही आपने डायग्राम में देख सकते हो आप, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका इसके अंदर आपको क्या होता है, जैसे कि अपना मैं इस आपको बता दिया था, जैसे कि आपका ये बेस वन हो गया, बेस टू, बेस वन व ईमीटर, ये आप देख सकते हो, तो इसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका ईमीटर हो गया, ये बेस टू हो गया, और ये बेस वन हो गया, तो ये आपको देखने का है। जो आपका पी टाइप पदार्थ होता है वो सबसे पास में किसके होता है, वो बेस टू के, यानी कि बेस टू के जो इमीटर पदार्थ वो इंजेक्ट किया जाता है, जो पी टाइप पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है वो आपके बेस टू के ज़्यादा करीब होता है। और ये एन चैनल होता है, जो ये एन चैनल होता है वो काय का बना होता है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। अगर अपन अगर इसको सिलिकॉन का लेते हैं तो इसकी जो तो कट इन वोल्टेज होगी वो 0.7 होगी सिलिकॉन की, और जर्मेनियम की लेंगे तो जर्मेनियम की अपने 0.3 होगी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये अपन ने दे दिया ये, फिर उसके बाद में आपने ये मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये अपने पी टाइप इंजेक्ट किया है, ये अपना ईमीटर हो गया, ये बेस वन हो गया, और ये बेस टू हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये अपना पी टाइप पदार्थ है, जो आपका एन टाइप पदार्थ, तो एन टाइप पदार्थ में ये सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो इसमें अपन एक तो ये इसमें ये आपका जो पी टाइप पदार्थ होता है ये आपका हाईली ड्रॉप होता है। क्या होता है, ये आपका ज़्यादा अधिक ड्रॉप होता है, यानी कि बहुत हैवीली ड्रॉप होता है, यानी कि अधिक ड्रॉप वाला पदार्थ होता है, जो इसमें अपन पी टाइप में अधिक डोपिंग की जाती है, अधिक डोपिंग, यानी डोपिंग को अपन ने यानी कि इसमें खूब अधिक मात्रा में डोपिंग की जाती है भाई, जैसे कि पी टाइप पदार्थ में डोपिंग करी जाती है। और एन टाइप पदार्थ में, एन टाइप पदार्थ में ये आपका बहुत कम ड्रॉप होता है, यानी कि लाइटली ड्रॉप कह सकते हो इसको आप, अपन लाइटली ड्रॉप्ड, यानी कि लाइटली ड्रॉप्ड होता है ये। तो ये इसको आप याद रखना है, कौन सा पदार्थ ज़्यादा ड्रॉप होता है, कौन सा पदार्थ कम ड्रॉप होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके जो यहाँ पे आपने ये पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ, यहाँ पे एक लेयर बन गई है, इसको क्या कहते हैं अपन, यूनी जंक्शन, इसको क्या कहते हैं, एक जंक्शन बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पी एन जंक्शन कहलाएगा, पी एन जंक्शन। तो जैसे कि मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, ये आपका पी एन जंक्शन कहलाएगा, जो ये लेयर बनी है उसको क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन बना दिया है, तो अपन ने जो आपने को पता है, अगर ये आपका लो ड्रॉप है, तो ये लो ड्रॉप है, तो इसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी कि ज़्यादा प्रतिरोध करेगा, तो इसको अपन ने एक रेजिस्टेंस लगा के बता देता हूँ मैं आपको, ये रेजिस्टेंस लगा रखा है अपने डायग्राम में, ये आप देख सकते हो, जिसको अपन ने नाम दिया है आर बी, इसको मैं बताता हूँ, इसको अपन ने नाम दिया है आर बी टू, क्योंकि ये आर बी यानी बी टू के टर्मिनल ज़्यादा पास है, और ये अपन ने आर बी वन,
ये अपन को ध्यान देना है, ये RB1 और RB2 कौन से टर्मिनल होते हैं। उसके बाद में ये अपन ने जो उसके बाद में ये आपको जो आप सबसे कम जो जिसमें कम प्रतिरोध दिखाएगा वो अपना कौन सा दिखाएगा, RB2। जिसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है वो RB2 होता है, जिसमें अधिक प्रतिरोध होता है RB1। क्योंकि आपको पता ही जो PN जंक्शन का जो ड्राइविंग है वहाँ पर एक क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके कारण वो प्रतिरोध दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये दो भागों में विभाजित हो गया प्रतिरोध आपके देख सकते हो। तो इसको मैं एक खुले डायग्राम में बता देता हूँ, जैसे कि आपका ये डायग्राम है, जैसे कि ये आपका डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका कम सा प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध एक हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। और जो आपका RB1 होता है, ये RB1 प्रतिरोध होता है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है। और ये RB2 का प्रतिरोध थोड़ा कम होता है, तो ये एकदम नियत प्रतिरोध की भांति कार्य करता है, यानी रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है। और ये आपका एक डायोड है, यानी कि जो अपने पी पदार्थ इंजेक्ट किया था तो उसके कारण एक PN जंक्शन बनता है, जिसको अपने PN डायोड भी कहते हैं, यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, डायोड। ये अपना डायोड है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो जो जो अपने RB1 और RB2 जो प्रतिरोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जो अपने यहाँ से, यानी कि जो अपने यहाँ से अपने यहाँ से कौन सा पदार्थ बन गया, यानी कि जो अपने यहाँ से जो प्रतिरोध बनेगा वो क्या बनेगा, RBB। वो कौन सा प्रतिरोध बनेगा, RBB। तो RBB का प्रतिरोध जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, उसको अपन इसको अपन RBB निकालने को, यानी कि RBB निकालना है, RBB निकालना है, तो अपन को क्या करेंगे, तो RB1 प्लस RB2, इसको अपन RB2 कहेंगे। तो ये आप देख सकते हो जो इनका प्रतिरोध होता है तो वो होता है 4 किलो ओम से। जो आपके जो बेस दोनों बेस संयोजकों के बीच में जो ये इन दोनों के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो आपके 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के मध्य होता है। जो ये आपका प्रतिरोध होता है वो आपके 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के मध्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये अब मैं बताता हूँ इसका सिंबल किस तरह का होता है। तो सिंबल आपको किस तरह का होता है, जैसे कि मैं सिंबल बना के दिखाता हूँ। तो ये सिंबल ये अपना एक अपने ड्रॉ कर लिया एक डायग्राम, उसके बाद में अपन ने एक इंजेक्ट किया ये लेयर पी पदार्थ, और ये अपन ने ये टर्मिनल निकाल लिए। तो जो अपना योनि होता है, यानी कि ये अपना, यानी कि जो ये पी पदार्थ होता है, ये सबसे ज़्यादा करीब इसका होता है बेस2 के, और ये आपका बेस1। तो ये अपन ने बेस2 के ज़्यादा करीब दिखाया है, इसलिए इसको बेस2 के करीब लाके। और जो इसमें करंट का फ्लो होता है वो करंट का फ्लो या तो RB1 या RB2 में या बेस1 या बेस2 में, दोनों में हो सकता है, लेकिन जो अपन ज़्यादातर करीब होता है वो RB1 में होता है। जो करंट का होता है वो RB1 में, इसलिए अपन इसका तीर इस जगह दिखाते हैं। तो ये अपना ई मीटर, तो इसी से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो इसके इक्विवेलेंट सर्किट होता है, यानी कि UJT के जो सर्किट होता है उसके बारे में। मैंने आपको सिंबल तो बता ही दिया है, मैंने अभी तक आपको मीनिंग बता दी है, बेसिक स्ट्रक्चर बता दी है, और आपको सिंबल के बारे में बता दिया है। वो अपने बचा है इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ UJT, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका सर्किट है, हमने ये पीछे से दिखाई ड्रॉ कर रखा है। तो ये आपका सर्किट हो गया है, तो ये आपका सर्किट है, यानी कि ये आप देख सकते हो। अपन ने इसको एक बैटरी संयोजक से संयोजित कर रखा है, जो आपका जो मैंने आपको बताया था, ये आपका पदार्थ है, ये आपका, और ये पी पदार्थ है, एन पदार्थ है। तो इससे अपन ने बना रखा है। तो जो ये आपका ना, अपन इसको अपन एक बीस बैटरी से संयोजित कर देते हैं, यानी कि जिसको अपन संयोजित करेंगे वो क्या बैटरी कौन सी कहलाएगी, वो VBB। इसको अपन क्या नाम देंगे, VBB। और इसको अपन जब VBB से संयोजित करेंगे तो इसमें अपन एक संयोजित कर दिया है, तो इसमें एक वोल्टेज बनेगा, यानी कि जो यहाँ से तक एक प्रतिरोध है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका दूसरी डायग्राम में ये आपका प्रतिरोध ही अपन ने बैटरी से संयोजित कर दिया है VBB से।
ये अपने वीबी से सूचित कर दिया, जो अपने इसमें धारा का करंट फ्लो होगा वो यहाँ से अपने यहाँ तक होगा, जो अपने यहाँ से यहाँ तक होगा। या तो अपन को ये करंट का फ्लो निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज निकालनी है, इस करंट इस प्रतिरोध में कितनी वोल्टेज बन रही है। तो इसको निकालने के लिए अपन जो इस प्रतिरोध में वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वी वन, तो बी वन यानी कि वोल्टेज इसके निकालेंगे, तो वी वन बराबर उसको अपन क्या करेंगे आर बी वन, यानी आर बी वन का प्रतिरोध है बटे आर बी वन प्लस आर बी टू से निकालेंगे। यानी कि जो वोल्टेज निकालेंगे वो किससे निकालेंगे अपन आर बी वन से, यानी कि इधर की जो वोल्टेज निकालेंगे वो आर बी वन बटे अपॉन आर बी वन प्लस आर बी टू से अपन इसकी वोल्टेज निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा ये भी तो ड्रॉप करेगा, तो अपन इसको निकालेंगे आर बी टू से, यानी कि वी ये आपकी वोल्टेज निकाल लेंगे इसी से। तो इसी से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपन एक ई मीटर और अपन बी वन के टर्मिनल में एक बैटरी जोड़ेंगे, जिसको अपन नाम देंगे वी ई, इसको अपन नाम देंगे वी ई। तो वी ई को अपन नाम दे दिया है, तो इधर से आप समझ गए होंगे। तो ये अपन ने वी ई, जब इसके अंदर अपन ना तो जब ईमीटर पर कोई अपन वोल्टेज सोर्स नहीं देंगे, यानी कि अपन ने अभी तक बस इधर से अपने ये सर्किट पूरा हो रहा है, इस इधर से ये आपका प्रतिरोध आ गए, और अपन ने ईमीटर टर्मिनल पर कोई बैटरी सोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो ये आपका जो काम करेगा वो आपके ये आपके रिवर्स वाइज में कार्य करेगा, यानी कि ये आपके कट ऑफ रीजन में कार्य करेगा। जब यहाँ पे अपन ने कोई वोल्टेज सोर्स से जब अपन ने यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आपका ये कट ऑफ रीजन में कार्य करेगा। कौन से रीजन में? कट ऑफ रीजन में। तो इसमें कुछ ना कुछ धारा का प्रवाह होगा, वो कौन सी धारा कराएगी? आपकी सरन धारा, यानी कि लीकेज करंट का प्रवाह होगा। वो लीकेज करंट का मान भी बहुत कम होता है, जैसे कि उसका लीकेज करंट का मान होता है 10 मिली सेकेंड, यानी इसको मिली में ही इसका करंट का मान होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सेकंड था डायग्राम ले चलता हूँ। तो ये आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ से अपने कहते हैं वोल्ट आ गई, यहाँ से अपने 10 वोल्ट मान लिए अपन ने, यानी कि इधर से जब अपनी वोल्टेज सोर्स आई थी वो 10 वोल्ट आ गई, मैंने आपको बताई दी थी। तो अपन ने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देते, यानी कि इधर 10 वोल्ट दे देते और इधर भी अपन ने 10 वोल्ट दे दी। जब अगर अगर जब इस वोल्टेज जो आपका वी ई, जब आपका जो वी ई और ये आपका वी वन है, अगर जब आपकी वी ई का मान अगर इससे कम होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कम है तो ये बड़ा है, अगर आपके वी बी का मान इससे आपका कम होगा, यानी कि वी ई का मान वी वन से कम होगा, तो ये कौन से रीजन में कार्य करेगा? आपके रिवर्स वाइज के अंदर, यानी कि जो आप काम करेगा वो आपके कौन से में कार्य करेगा? आपके रिवर्स वाइज में, यानी कि शून्य मान परिपथ में ये आपके कार्य करेगा। तो इसमें आपके कार्य करेगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ से वोल्ट टर्मिनल सोर्स दे दिया, यहाँ पे अपना एनोड और कैथोड है, यहाँ से अपन टर्मिनल सप्लाई दे रहे प्लस और इधर से माइनस, तो ये अपना और इधर से प्लस मिल रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ से अपन वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, यानी कि इमीटर से तो अपन धनात्मक वोल्टेज का मान जब आपके बेस के धनात्मक वोल्टेज से कम होगा, यानी कि जब आपका कम होगा, तो ये अगर मैंने आपको बता दिया है, जब इसका मान यानी कि जो पॉजिटिव साइकिल, यानी कि जैसे कि जो इसकी जो साइकिल का मान, अगर इसका जो मान होता है ये आपका प्लस और ये प्लस, जैसे कि जो इसका मान होगा, यानी कि जो इस प्रतिरोध का मान होगा, जो अपन ने टर्मिनल प्लस दे दे, तो इसका मान अगर अगर दोनों का मान अगर इसका मान अगर कम होगा, यानी कि अपन इसको कैसे कह सकते हैं, जैसे कि जो इसका प्लस वी वी वन प्लस, यानी कि प्लस का जो मान होगा, जो अपने टर्मिनल यहाँ से प्लस का आ रहा है और यहाँ से भी अपने प्लस अप्लाई कर रखा है, तो अगर इसका मान कम होगा, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं इसका मान लो और इसका मान हाई, तो अगर इसका मान कम होगा, तो ये आपके एक रिवर्स वाइज में कार्य करेगा। कौन से वाइज में? तो इसमें धारा का प्रवाह
कैसे होगा? ऐसे। तो इसमें धारा का प्रवाह ऐसे होगा, तो ये आपके कौन सी वाइज में कार्य करेगा? रिवर्स वाइज में। ये आपके रिवर्स वाइज में कार्य करेगा। फिर उसके बाद में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर अगर जो अपन ने यहाँ से धनात्मक टर्मिनल अप्लाई कर रखा है और ये अगर इसका मान इससे ज़्यादा, अगर ये मान ज़्यादा हो गया और ये मान कम हो गया, यानी कि जो वी ई का मान है जो वी बी वन से अधिक हो जाए, तो वो कौन से में कार्य करेगा? वो आपके फॉरवर्ड वाइज में। जो आपके जो ट्रांजिट कार्य करेगा वो आपके फॉरवर्ड वाइज में अधिक हो जाए तो वो आपके फॉरवर्ड वाइज में कार्य करेगा, यानी कि एक बंद परिपथ की भांति कार्य करने करेगा। तो आपके जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर से ऐसे। तो ये अपने ऐसे कार्य करेगा, यानी कि इसमें करंट का फ्लो इस दिशा में होगा, तो ये आपके फॉरवर्ड वाइज में कार्य करेगा। तो ये आपके, आपको पता है आपके जो ईमीटर अपन ने अप्लाई कर रखा है, तो ईमीटर में आपको पता है इसमें होल्स होते हैं, तो होल्स होते हैं तो वो जंक्शन को, इसको तोड़ देंगे, यानी कि जो जंक्शन बनेगा उसको अपन ब्रेक कर देंगे, यानी कि जंक्शन ब्रेक कर देंगे, जिसके कारण तो वो यहाँ पे पहुँचने लग जाएंगे, यानी करंट का फ्लो होने लग जाएगा। तो ये करंट का फ्लो होने लग जाएगा, तो आपको पता है ये करंट का फ्लो इस दिशा में, डायरेक्शन में होने लग जाएगा। तो पहले रिवर्स वाइज में किस दिशा में हो रहा था? इस दिशा में। तो आपके करंट का फ्लो अब इस दिशा में होने लग जाएगा, यानी कि जो इधर से आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा फॉरवर्ड वाइज में, और रिवर्स वाइज में कैसे कार्य करेगा? ऐसे। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये आपके पहुंचना प्रारंभ कर देंगे। तो फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ, तो ये आपका, मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे कि जब इसमें अपन ने कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं कर रखा है, यानी कि जब अपन ने इसमें कोई वोल्टेज, मैं आपको बताता हूँ, जब इसमें अपन कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कुछ, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ इसके कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि इसके बारे में आपको बताता हूँ इससे कैरेक्टर्स कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसे, अगर अपन इसमें कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं कर रखा है, यानी कि इधर अपन ने खाली छोड़ रखा है और इधर अपन ने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा का प्रवाह होगा। वो आपकी कौन सी धारा कराएगी? सरण धारा, यानी कि लीकेज करंट। इसे अपन लीकेज करंट के नाम से भी कहते हैं। तो इसके अंदर अपन जैसे कि अपन कह सकते हैं, यानी कि वी ई बराबर, इसको अपन कह सकते हैं वी ई बराबर नीटा। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, वी ई बराबर नीटा वोल्टेज बी, ये अपन ने वी बी प्लस कर दिया, और ये आपका वी बी, यानी कि जो अपन ने ये कौन सी धारा वी डी, कौन सी धारा प्रवाह हुई है अपने? लीकेज करंट, यानी कि इसके माध्यम से जो करंट का प्रवाह होगा वो अपन ने लीकेज करंट का प्रवाह होगा, लीकेज करंट। ये आपके लीकेज करंट का प्रवाह होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपन ने एक डायग्राम खींच रखा है, ये कैरेक्टर्स आपके किसके मध्य खींचा जाएगा? आपके ये करंट के मध्य और आपके वोल्टेज सोर्स के मध्य। तो अपन ने शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे, जब आपका ये अपन ने कोई, जैसे कि जो अपने प्रारंभ कर दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या यहाँ से ऐसे आना प्रारंभ कर दिए है, तो यहाँ से अपन ने ये अपने जो सरण धारा का मान भरेगा, यहाँ की कट ऑफ, यानी कि ये लीकेज करंट है, तो इसका मान भरेगा जिस जहाँ पे ये कंडीशन में आएंगे, जहाँ पे कंडीशन में आपके करंट का मान शून्य हो जाएगा, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? यानी कि वी ई ओ, यानी कि वोल्टेज कट ऑफ रीजन में कार्य करेगा, यानी कट ऑफ, यानी कि इसमें आपके वोल्टेज का मान बिल्कुल कम हो जाएगा, तो यानी कि इसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका, इसमें आपका धारा का प्रवाह शून्य होगा। तो इसका इसको कैसे दर्शा सकते अपन? वी ई बराबर, इसको अपन दर्शा सकते हैं जैसे कि वी ई बराबर नीटा वी बी, यानी कि इसको अपन दे सकते हैं ये नीटा वी बी, यानी कि इसमें करंट का फ्लो किसमें होगा? जैसे कि, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये अपने यहाँ से जो यहाँ तक कि अपन ने यहाँ तक अपने सरण धारा का मान होगा, यानी कि इसको अपन ने क्या नाम दिया है, इसको यहाँ पे जो अपनी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया उसको अपन नीटा वी बी से अप्लाई कर दिया है, यानी कि वीटा बी बी, यानी कि जो अपनी वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? ये वाली।
तो अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, नीटा वीबी, वीबीबी। तो ये आपकी कौन सी करंट होगी जिसमें अपन नो करंट, यानी कि नो इसमें ये कौन सी करंट, नो करंट फ्लो, ये कौन सी नो करंट होगी, नो करंट फ्लो, यानी कि इस दिशा में आपकी करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि इस नोड बिंदु में आपके करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये आपका करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में आता है अपने, तो उसके बाद में ये अपना आ गया है, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। उसके बाद में ये अपनी ये अपना यहाँ से अप्लाई हुआ, यहाँ से अपने यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद में जो ये अपने यहाँ तक और जो संदारा का मान होगा वो बहुत आगे पहुँच जाएगा, यानी कि वो जो उसमें एमिटर धारा का मान होगा वो एमिटर धारा का, यानी कि मैंने आपको बताया एमिटर धारा कैसे होगी, IE से प्रदर्शित करेंगे, तो ये एमिटर धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, तो ये प्रारंभ हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि जो आपका जंक्शन होगा तो जंक्शन का प्रतिरोध बिल्कुल भी घट जाएगा, जो जंक्शन का प्रतिरोध घट जाएगा तो ये इसमें धारा का प्रवाह लग जाएगा, तो ये अपने एकदम मैक्सिमम मान हो जाता है, तो मैक्सिमम मान हो जाएगा तो उसके अपन क्या कहेंगे, वोल्टेज पीक, पीक वोल्टेज भी कह सकते हैं उसको अपन, क्या कहेंगे उसको, पीक वोल्टेज। उसको अपन कौन सी वोल्टेज कहेंगे, यानी कि ये जो वोल्टेज होगी वो आपकी पीक वोल्टेज होगी। फिर उसके बाद में जो तो धारा का मान वोल्टेज हो जाएगी, फिर उसके बाद में इसका जो मान होगा, तो जो एमीटर में धारा वृद्धि से फिर जंक्शन का प्रतिरोध घट जाएगा, तो घटने के कारण जो इसमें एमीटर का वोल्टेज भी इसके कारण धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएगी, यानी कि जो ये धारा है, जो वोल्टेज है, जो अपने एमीटर के जो वोल्टेज है वो थोड़ा धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएगी, यानी कि वो ऐसे घटने लग जाएगी, यानी कि वो ऐसे घटेगी, तो ये ऐसे घटने लग जाएगी, तो अपने जो घटने लग जाएगी, जहाँ पर फिर एक एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें वो वोल्टेज का मान बिल्कुल वो ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, एक कांस्टेंट अवस्था आ जाएगी, कांस्टेंट अवस्था ऐसी आ जाएगी, यानी कि जो ये नोड बिंदु बनेगा ये कांस्टेंट अवस्था आ जाएगी, तो जिसके अंदर वो कौन सी अवस्था में कार्य करेगी, वो आपका वेली, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, वेली पॉइंट, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, वेली पॉइंट, वो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वेली पॉइंट कहलाएगा, तो उसमें वेली पॉइंट में वो कार्य करेगा, तो जो वेली पॉइंट में कार्य करेगा, तो वेली पॉइंट में जो आपका वेली पॉइंट में कार्य करेगा, फिर उसके बाद में आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, तो फिर मैं उसके बाद में यहाँ से वेली पॉइंट में कार्य करेगा, फिर तो उसको मैं आपको एक बताता हूँ, इसी की ये अपना है, तो ये अपना ऐसे ये डायग्राम आ गया, तो ये आपका जो ये बनेगा, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, वेली पॉइंट, ये अपने लिख रखा है वेली पॉइंट, वेली पॉइंट कहलाएगा, और ये पीक वोल्ट, यानी कि इसको वाई पी से पोए, तो जो आपके अगर आपके वी ई का मान, अगर वी ई का अगर आपके वी ई का मान नेटा वी बी बी प्लस वी डी के बराबर हो जाएगा, वी डी के बराबर हो जाएगा, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, वी पी, यानी कि जो आपकी वोल्टेज चलाएगी वो वी पी, यानी कि जब वो आपकी वे कौन सा पॉइंट कहलाएगा, पीक पॉइंट कहलाएगा, वो आपकी कौन सा पॉइंट कहलाएगा, पीक पॉइंट, यानी कि जो आपको ध्यान रखना है कब बराबर हो जाएगी, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, जैसे कि आपको बताता हूँ कब बराबर होगी वो आपके, यानी कि ये अपने ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला अपना कब बनेगा, जब अपने ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, यानी कि इसको प्लस कर देंगे, यानी कि वी बी बी प्लस वी डी, जब प्लस हो जाएगी तो आपकी कौन सी वोल्टेज आ जाएगी, वी ई, तो ये आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, पीक पॉइंट, और ये आपका वेली पॉइंट, तो आपको पता है जब आपका एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपकी ये ना तो धारा घटेगी ना बढ़ेगी, उससे अधिक मान से धारा घटने नहीं घटेगी, तो वो आपकी कौन सा पॉइंट कहलाएगा, वेली पॉइंट, वेली पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा वेली पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया, यानी कि ये इस अवस्था में, यानी कि जब आपका कट ऑफ रीजन में कार्य करेगा, यानी कि कट ऑफ, यानी कि इसमें जो आपकी शरण ओनली फॉर कौन सी धारा का प्रवाह होगा, ओनली फॉर लीकेज करंट का प्रवाह होगा, तो वो कौन से में होगा, इस वाले में,
जो आपके पीक पॉइंट कल आएगा वो तो पीक पॉइंट का प्रभाव ऐसे होगा, और जो आपकी कोना तो उसमें एक जो नीटा VBB का मान होगा वो जिसमें जब नो करंट का प्रवाह लीकेज जब किसमें कोई सी करंट का प्रवाह नहीं होगा वो आपको कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये तो ये आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद में ये आपका आ गया, ये आपका कट ऑफ रीजन में काले करेगा, ये आपका वैली पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद में ये धारा का ये फिर ये जो आपका वैली पॉइंट से जो ये बढ़ने लग जाएगा, तो बढ़ने लग जाएगा तो वो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, सेचुरेशन क्षेत्र। वो अपनी उसकी एक संतृप्त अवस्था आ जाएगी, यानी कि वो अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, उसकी एक संतृप्त अवस्था आ जाएगी। उसके बाद में ना तो वो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, वो तो उसकी संतृप्त अवस्था आ जाएगी, तो वो कौन सा क्या कहलाएगा, सेचुरेशन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, सेचुरेशन। तो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र कहलाएगा वो आपके सेचुरेशन क्षेत्र, और ये आपके जिसमें वो वर्किंग जिसमें आपका जो करंट का मान जो घटने लग जाता है पीक वोल्टेज से, और जो पीक वोल्टेज और वैली पॉइंट का जो मध्य का क्षेत्र होता है वो आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस, यानी कि उस टाइम वो आपकी जो जिस टाइम है उस टाइम है ना जो आपके जो एन चैनल होगा, एन चैनल आपके बिल्कुल लो प्रतिरोध की बात, यानी कि बिल्कुल ही प्रतिरोध की नहीं होगा, यानी कि उसका प्रतिरोध बिल्कुल भी घट जाएगा, तो वो आपके नेगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद में ये कट ऑफ रीजन और ये आपके पीक पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा UGT का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएगी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।